अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को सेफ और सिक्योर रखने के लिए आपको इन 7 टिप्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सबका स्वागत करके मैं बताता हूं कि कंप्यूटर को सेफ और सिक्योर कैसे रखा जाता है। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स में बनना चाहते हो स्मार्ट, तो आपको करना है ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना है ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। टिप्स नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सभी लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर अगर लेते हो खरीदते हो तो आपको सबसे पहले एक एंटीवायरस खरीदना है, पेड एंटीवायरस, और उसको डाल के आपके कंप्यूटर को स्कैन करके हमेशा अपडेट रखना है। हाँ, एनुअली उसकी कुछ फीस रहती है एंटीवायरस की, लगभग 500 तक एक अच्छा एंटीवायरस आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी एंटीवायरस के ऊपर वीडियो बनाया है, वो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। लेकिन एंटीवायरस जरूर होना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके कंप्यूटर को सेफ और सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि जब भी कोई मैलेसेस या वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस उसे डिटेक्ट करके कर देता है। सो आपके कंप्यूटर में सबसे पहले तो एंटीवायरस जरूर होना चाहिए। अब टिप्स नंबर 2 में ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको वो वाली वेबसाइट कभी विजिट नहीं करनी चाहिए। अब वो वाली से मेरा मतलब समझ गए होंगे आप समझदार हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, विजिट भी कर ली तो उससे डाउनलोड कभी कुछ कीजिएगा मत, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि इन सभी वेबसाइट से कुछ ना कुछ फाइल्स बाइंड रहती है जो कि आपके कंप्यूटर में आके आपके कंप्यूटर को खोखला बनाने वाली है। अगर गलती से आपके पास वो फाइल में से रैंसमवेयर अगर आ गया तो भैया आप तो गए, क्योंकि कब जाकर आपका रैंसमवेयर आपके पूरे फाइल्स को लॉक कर देगा, फिर आपको कोई भी फाइल नहीं मिलेगी और उसे अनलॉक करने के लिए वो $800 मांग लेते हैं। इतना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा भैया अगर आप ऐसा करोगे तो इसीलिए वो वाली वेबसाइट को कभी विजिट ही ना करें। क्लियर? अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 3 की ओर। टिप्स नंबर 3 में मैं आपको बताऊं कि अगर आपको हफ्ते भर में कंप्यूटर में कोई काम भी नहीं है तो भी आपको कंप्यूटर को एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए चालू करना चाहिए। 2 से 3 मिनट के लिए इसीलिए चालू करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर के जो पार्ट्स है वो जंग ना पकड़े। अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते उसे बंद रखते हो तो उसे डस्ट या मॉइस्चर लग के जंग पकड़ने के चांसेस रहते हैं, और फिर आप 1 हफ्ते के बाद अगर कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो फिर चालू ही नहीं हो रहा है, फिर आपको हार्डवेयर वाले को बुलाना पड़ेगा ये वो ये सब। लेकिन इससे अच्छा कि आप 2-3 मिनट के लिए कंप्यूटर हमेशा चालू रखो, 2-3 दिन के बाद हमेशा चालू किया करो। जैसे आप कोई बाइक वगैरह बहुत दिन तक बंद रखते हो और चालू करने जाएंगे तो इंजन गर्म ही नहीं होता है, तो फिर ऐसे ही कंप्यूटर का कुछ समझो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है तो इसे भी रेगुलर थोड़ा सा चालू कीजिएगा, 2-3 मिनट के लिए तो एटलीस्ट चालू कीजिएगा। अब टिप्स नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। टिप्स नंबर 4 में आप सभी लोगों से सभी दोस्तों से मेरी हाथ जोड़कर विनती ये रहेगी कि डेस्कटॉप जो होता है वो होता है शॉर्टकट्स, फाइल के शॉर्टकट्स रखने के लिए, फाइल्स रखने के लिए या फोल्डर्स बनाने के लिए नहीं होता है। वहाँ पे ढेर सारे फोल्डर्स बना बना के, फाइल रख रख के, वीडियोज रख रख के हम पूरा डेस्कटॉप को भर देते हैं, और डेस्कटॉप अगर हमने ज़्यादा भर दिया तो आपका कंप्यूटर परफॉर्मेंस कम देने वाला है, क्योंकि डेस्कटॉप बिलोंग करता है सी ड्राइव से और सी ड्राइव आपके परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि सभी विंडोज़ की फाइल सी ड्राइव में से होती है। तो आपको करना क्या है, डेस्कटॉप पे बस फाइल की शॉर्टकट्स तैयार करनी है। सपोज आपकी डी ड्राइव में कोई फाइल है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप डेस्कटॉप पे क्रिएट शॉर्टकट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट क्रिएट करने से वो फाइल वहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं आती, बस उसका शॉर्टकट आता है और फाइल को एक्सेस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको डेस्कटॉप पे रखने हैं बस शॉर्टकट्स, फाइल फोल्डर्स या वीडियो फाइल तो बिल्कुल मत रखिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 5। तो अगर आप एक टेक्निकल पर्सन नहीं हो तो आपको सी ड्राइव को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। भैया ये समझ लो कि सी ड्राइव को अगर हाथ लगाया तो भैया गए। सी ड्राइव के अंदर रहती है सिस्टम फाइल्स, विंडोज फाइल्स, तो इसके अंदर की कोई फाइल अगर आपने डिलीट कर दी, वैसे आप सी ड्राइव में जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं बस आपको एक अलग तरीके से बता रहा हूँ, इसीलिए ये समझा रहा हूँ कि सी ड्राइव के अंदर फाइल अगर आपने कोई डिलीट कर दी तो फिर विंडोज स्टार्ट नहीं होने वाला है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और सी ड्राइव के अंदर कोई फाइल ज़्यादातर सेव ना कीजिएगा, सी ड्राइव के अलावा जो डी ड्राइव वगैरह रहता है उसमें फाइल सेव कीजिए। अच्छा, आपके पास सी ड्राइव के अलावा कोई ड्राइव नहीं है तो ड्राइव कैसे बनाना है, पार्टीशन कैसे करना है, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया चैनल के ऊपर, चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 6 की ओर। अब टिप्स नंबर 6 में ये है कि हो सके तो अपने कंप्यूटर को 3 से 6 महीने के बीच में एक बार एयर ब्लोअर से साफ किया कीजिए।
अब आपके पास एयर ब्लोअर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो साइकिल में हवा भरने वाला पंप रहता है ना, उससे भी साफ करवा सकते हैं। मैंने ऐसा एक बार किया था, जब मैं गांव गया था, भाई का कंप्यूटर बंद हो गया था गांव में, मेरे भाई का कंप्यूटर बंद हो गया, तो मैंने उसे कहा कि यार तुम्हारे पास साइकिल का हवा भरने का पंप है ना, तो लाओ चलो साफ कर देते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसे 3 से 6 महीने में ज़रूर साफ कीजिएगा। अंदर जो धूल रहती है वो कंप्यूटर को क्या करने वाली, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो एटलीस्ट खुद ही सर्विसिंग कीजिएगा, जैसे हम बाकी चीज़ें साफ करते घर के अंदर का, वैसे कंप्यूटर को आपको साफ करना है हवा से। और टिप्स नंबर 6 के बाद अब बढ़ते टिप्स नंबर 7 की तरफ, जिसमें है कि आपको कंप्यूटर में बायोस पासवर्ड देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो पावर बटन प्रेस कर देते हैं, फिर कंप्यूटर स्टार्ट होता है, और फिर कंप्यूटर को पावर बटन दोबारा प्रेस करते हैं, फिर कंप्यूटर बंद होता है, विंडोज़ लोड होता है, फिर पावर बटन स्टार्ट और बंद के चक्कर में विंडोज़ की फाइल मिसिंग होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर स्टार्ट होने के पहले बायोस पासवर्ड, जो आपके विंडोज़ को लोड होने से रिस्ट्रिक्ट करता है, तो बायोस पासवर्ड देना बहुत ज़रूरी है। बायोस पासवर्ड देने के लिए सिंपल है, आप जब से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा आपको डिलीट बटन प्रेस करना है, डिलीट बटन या F2 बटन या F10 बटन, ऐसे अलग अलग शॉर्टकट कीज़ रहते हैं, और जो बायो स्क्रीन आती है उसमें राइट साइड में बायोस पासवर्ड रहता है, जहाँ से आप पासवर्ड सेट करेंगे। सेट करने के बाद कंप्यूटर में जब भी आप कंप्यूटर का बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले बायोस पासवर्ड पूछा जाएगा विंडोज़ लोड होने के पहले। ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बायोस पासवर्ड इंटर करने के बाद ही विंडोज़ लोड होगा, इंटरेस्टिंग है ना, और विंडोज़ लोड नहीं हुआ तो विंडोज़ फाइल मिसिंग होने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपके घर में जो बच्चे हैं वो बार बार पावर बटन प्रेस करके बंद चालू बंद चालू बंद चालू ऐसा करते हैं, तो आपको अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर बटन प्रेस कितनी भी बार करने दो विंडोज़ लोड होने वाला नहीं है, और विंडोज़ लोड नहीं होगा तो फाइल मिसिंग होने का कोई चांस नहीं है। तो ये 7 टिप्स आपको बारी बारी से फिर से रिपीट देखना है तो देख लीजिए वीडियो रिवाइंड करके, लेकिन इसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो करेगा इसे फॉलो वही बचा पाएगा अपने कंप्यूटर को और लॉन्ग टाइम सेफ एंड सिक्योर यूज़ कर पाएगा। तो चलिए उम्मीद है आप फॉलो करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कैसा था आज का वीडियो, मैंने मेहनत ली इस वीडियो को बनाने के लिए, आपको कैसा लगा ये लाइक और कमेंट से मुझे पता चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपके एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप एक दोस्त के साथ शेयर करते हो तो वो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करेगा, वो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करेगा, ऐसा चेन बनता जाएगा। लेट्स सी करते हैं कि नहीं करते हैं, आप शेयर पता चलेगा मुझे। और भी कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे टिप्स एंड ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो भी देखिएगा। मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, तब तक के लिए हमेशा की तरह यही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।